अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। के आप जानते हैं कि कौन से सितारे के अंदर कौन सी खुशबू लगानी चाहिए, कौन सी खुशबू जो है हमें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रूहानियत के अंदर आप अगर खुशबू का इस्तेमाल करते हैं वो भी सितारे के मुताबिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है आपके लिए जो है रूहानियत आपसे जल्द मुतासिर होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि कौन से सितारे के अंदर कौन सी खुशबू लगाएं जब आप अमल शुरू करें, तो उससे जो है ताकि आपसे रूहानियत जल्दी मुतासिर हो जाए। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे लोग फायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हर सितारे से मुतअल्लिक अलहदा अलहदा खुशबुएं इस्तेमाल की जाती हैं, खुशबू के इस्तेमाल से रूहानियत जल्द मुतवज्जे हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है जुहल सितारे में आप अमल शुरू कर रहे हैं, मुश्तरी के सितारे में अमल शुरू करते हैं, या मरीख में अमल शुरू करते हैं, शम्स में करते हैं, जोहरा में करते हैं, या अतारत में करते हैं, या कमर में करते हैं, तो जिस सितारे के अंदर आप अमल शुरू करें तो उसी के मुतालिक जो है अगर आप खुशबू का इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। चलिए बहरहाल हम आपको जो है तमाम खुशबू के नाम आपको बता देते हैं कि आपको कौन से सितारे में कौन सी खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर एक, जुहल। जुहल के अंदर जो है आपको इत्र गुल यानी कि गुल का इत्र आपको लगाना चाहिए। मुश्तरी के शाअत में जो है इत्र गुलाब, आपको गुलाब का जो इत्र है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मरीख की शाअत में अगर आप कोई जुदाई के लिए, नजायज दुश्मनी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई सी भी तेज़ खुशबू आपको लगानी चाहिए। शम्स में जो है आपको मुश्क का इत्र लगाना चाहिए। जोहरा में जो है आपको इत्र सुहाग और इत्र चमेली आपको लगाना चाहिए, और अतारत के सितारे में जो है आपको तमाम मिक्स खुशबूएं भी लगा सकते हैं, और कमर का जो है इत्र केवड़ा और वो गुलाब आपको लगाना चाहिए। तो ये तमाम जो खुशबू है मैंने आपको नाम बता दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा सितारे के हिसाब से, और जिस सितारे के अंदर आप अमल शुरू करें तो उस सितारे में जो है आप इन खुशबुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर कर दें। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल से गुजारिश करते हैं कि चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।